नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षद देवी फ्रेंड्स, और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स, हम लोग कोरल्स के बारे में बात करेंगे। बात ये करेंगे कि कोरल्स बनते कैसे हैं, ज़ूज़ैंथले का क्या रोल है, कोरल पॉलिप्स क्या होते हैं, एनीमोन्स, जेलीफिश, किस तरीके से कोरल सर्वाइव करते हैं, कोल्ड वाटर कोरल्स, हॉट वाटर कोरल्स, खासकर हॉट वाटर कोरल्स की बात इस वीडियो में होगी। इसके बाद की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोरल रीफ्स कितने प्रकार की होती हैं, जो एटॉल कोरल रीफ कोरल रीफ होती है, एक बैरियर कोरल रीफ होती है, एक फ्रिंजिंग रीफ होती है, तो ये सब क्या होता है इसकी बात भी हम इसके बाद वाली वीडियो में करेंगे। तो देखिए, कोरल रीफ की जब भी बात होगी फ्रेंड्स, आपको दो तीन चीजें समझनी पड़ेंगी, जिसमें होता है कोरल पॉलिप्स। ये रहे कोरल पॉलिप्स, इनको आप कह सकते हो कोरल पॉलिप्स, POLYPS। अब जब भी कोरल पॉलिप्स की बात होती तो ये है क्या, ये भैया थाउजेंड्स ऑफ टाइनी एनिमल्स हैं, और ये थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी एनिमल्स जब मिल जाते हैं तो ये कोरल बनाते हैं। अब ये पॉलिप्स दो और से रिलेटेड होते हैं, दो और एनिमल्स कह लीजिए, जिनको बोलते हैं एनिमोन्स और जेलीफिश। तो ये रहे आपके एनिमोन और ये रहे आपकी जेलीफिश। इन एनिमोन्स और जेलीफिश का एक मेजर रोल है इस पॉलिप का बनने में। पॉलिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इसके साथ एक चीज और जुड़ती है जिसको हम बोलते हैं ज़ूज़ैंथले। और ये सारे ऑर्गेनिज्म्स मिलके कुछ तिगड़म करते हैं जिससे आपके बन जाते हैं कोरल्स। सबसे पहले बात जानते हैं कि जो पॉलिप्स होते हैं ये हैं क्या। तो ये शैलो वाटर ऑर्गेनिज्म्स हैं। शैलो वाटर मतलब बहुत ज्यादा डीप वाटर में सर्वाइव नहीं करते हैं, शैलो वाटर में रहते हैं, कम गहरे पानी में कहते हैं, और अपने ऊपर एक सॉफ्ट बॉडी ये डेवलप करते हैं जिसको आप कैल्सरस स्केलेटन बोलते हैं। कैल्सरस स्केलेटन, कैल्सरस स्केलेटन क्यों बोला है आपने, चूंकि ऑब्वियस सी बात है इनका जो स्केलेटन है वो कैल्शियम का बना हुआ होता है, इसलिए इसको कैल्सरस स्केलेटन बोलते हैं। खास बात इनकी ये होती है फ्रेंड्स कि आप कह लीजिए कि पानी के सॉल्ट से कैल्शियम खींचने की बहुत जबरदस्त पावर होती है इन पॉलिप्स में। तो ये जो पॉलिप्स है ये सी वाटर में जो सॉल्ट होते हैं उनसे कैल्शियम को खींच के अपने हार्ड स्केलेटन को बना लेता है, और फिर ये पॉलिप्स जो सी का रॉकी सी फ्लोर होता है उस पे धीरे 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 अपना स्केलेटन बनाता जाता है, और जैसे जैसे पॉलिप्स मरते जाते हैं नए पॉलिप्स आते जाते हैं, स्केलेटन के ऊपर स्केलेटन, स्केलेटन के ऊपर स्केलेटन जमा होता जाता है, एक रॉकी मास बनता जाता है और एक पूरी की पूरी कोरल रीफ बन जाती है। और यही रीफ जब पानी के ऊपर आके बिल्कुल सतह बना लेगी तो वो एक कोरल आइलैंड बन जाएगा, जो कि आज की डेट में है लक्षद्वीप। तो धीरे धीरे करके इसके बारे में हम एक एक करके आपसे मैं बात करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कोरल बने किससे, दो चीजों के सिम्बियोटिक रिलेशनशिप से कोरल बने हैं। एक तो है आपका ज़ूज़ैंथले, ठीक है, तो एक हो गया आपका ज़ूज़ैंथले और एक हो गया आपका पॉलिप्स। दोनों ने मिलके एक लिविंग और हेल्दी कोरल बना दिया, ठीक है। अब बात की जाए फ्रेंड्स की इस ज़ूज़ैंथले का क्या रोल है। तो देखिए, ज़ूज़ैंथले का रोल यह है कि ज़ूज़ैंथले इज कैपेबल ऑफ डूइंग फोटोसिंथेसिस। देखिए फ्रेंड्स, इस फिगर में देखिए, इस फिगर में आपको इन कोरल्स का बहुत रंग बिरंगा नजर ना आ रहा है, ये पिंक दिख रहा है, ये थोड़ा थोड़ा येलो दिख रहा है, पूरे रंग बिरंगे आपको नजर आ रहा है। ये जो रंग आया है ना इसमें, ये जो कलरफुल कोरल्स बने हैं, ये बने हैं आपके किसकी वजह से, ज़ूज़ैंथले की वजह से। और अगर इनके अंदर का ज़ूज़ैंथले मर गया, कोरल ब्लीचिंग मर गई, तो ये सारे के सारे कोरल्स बिल्कुल व्हाइट पड़ जाएंगे, एकदम व्हाइट रंग का स्केलेटन आपको दिखाई देने पड़ेगा, यानी कि कोरल ब्लीचिंग हो गई है पूरी तरीके से। तो ज़ूज़ैंथले कोरल की मदद करता है न्यूट्रिएंट प्रोडक्शन में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करके, ठीक है फ्रेंड्स। और इससे कोरल को फिक्स्ड कार्बन कंपाउंड्स मिलते हैं जिससे वो एनर्जी पैदा करता है, कैल्सिफिकेशन करता है, न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर रिसाइकलिंग वहां पे होती रहती है। तो कोरल रीफ का ब्यूटीफुल कलर आपको पता चल गया कहां से आता है, ज़ूज़ैंथले से आता है। और जो कोरल पॉलिप है वो क्या करता है, कोरल पॉलिप इस ज़ूज़ैंथले को एक प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट प्रदान करता है। कोरल पॉलिप एक कैल्सरस स्केलेटन बनाएगा, उस स्केलेटन के अंदर ज़ूज़ैंथले होगा, और ज़ूज़ैंथले एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रह के अपनी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को कर सकता है। दो तरीके कोरल बनते हैं, एक सॉफ्ट कोरल होता है, एक हार्ड कोरल होता है। ये जो रीफ्स बनती है ना, बड़ी बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ और फ्रिंजिंग रीफ, ये सब आपके हार्ड कोरल पे ही बनते हैं फ्रेंड्स। और याद रखिएगा, ये जो कोरल पॉलिप्स है ना, ये धीरे धीरे करके मरते रहते हैं। जो जिस कैल्सरस स्केलेटन के ऊपर ये रहते हैं पॉलिप्स, तो जब पॉलिप्स मर जाते हैं
तो दूसरे पॉलिप्स इन्हीं कैल्सरस स्केलेटन पर ग्रो करते हैं और अपना एक और कैल्सरस स्केलेटन बनाते हैं, और जैसे जैसे मरते जाएंगे ऊपर कैल्सरस स्केलेटन बनते चले जाएंगे, और ये पूरा एक स्ट्रक्चर्ड लैंडमास बन जाएगा कुछ कई हजार साल के बाद, कई मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, पॉलिप्स और जूसेंथले मिलके पूरी एक रीफ, एक कॉलोनी बना देते हैं। ठीक है, तो पॉलिप्स का भी यहां पे एक बहुत मेजर रोल है और जूसेंथले का यहां पे भी एक बहुत मेजर रोल है। देखिए, बहुत सारे कोरल रीफ्स, बहुत सालों पहले तक ये माना जाता था कि जो कोरल रीफ्स है वो केवल ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर्स में मिलते हैं, लेकिन कोल्ड वाटर कोरल भी पाए जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और ये कहा जाता है कि अब जो कोल्ड वाटर कोरल्स है ना, वो ये जो ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाने वाले कोरल्स हैं उनसे काफी ज्यादा है। अगर सबसे बड़े कोल्ड वाटर कोरल रीफ की बात की जाए तो नॉर्वे के कोस्ट के पास एक रॉस्ट रीफ है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी कोल्ड वाटर कोरल रीफ है, ठीक है, दिस रॉस्ट रीफ। और कहा जाता है कि भाई जो कोल्ड वाटर कोरल्स है वो हॉट वाटर कोरल्स से भी ज्यादा है। फिलहाल के लिए हम वापस आ जाते हैं हॉट वाटर कोरल्स पे। हॉट वाटर कोरल्स की बात करी थी, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स। देखिए, जो हॉट वाटर कोरल्स होते हैं जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में पाए जाते हैं, ये वहां मिलते हैं जहां पानी एकदम क्लीन है, क्लियर है, वार्म है। क्लीन भी होना चाहिए क्योंकि अगर पॉल्यूटेंट्स ज्यादा हैं तो कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी, कोरल्स मर जाएंगे। वार्म होने चाहिए क्योंकि ये ठंडे पानी में सरवाइव नहीं कर सकते, और पानी क्लियर होना चाहिए, फोटिक जोन में आने चाहिए ये कोरल्स। क्लियर क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब सन की रेज ऊपर से पड़ेंगी तो जो सन की गर्मी है, जो सन की लाइट है, वो पहुंचनी चाहिए इन कोरल्स तक। तो जब वो सन की लाइट इन कोरल्स तक पहुंचेगी तो इनको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल सकती है। उसके बाद कोरल रीफ का कवर अगर आप इंडियन वाटर्स में देखेंगे तो इंडिया में लगभग 19,000 स्क्वायर किलोमीटर के कोरल्स मिलते हैं। तो 19,000 स्क्वायर किलोमीटर के कोरल आपको मिलेंगे इंडिया में, पूरी दुनिया भर में बहुत ज्यादा है। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स है पूरी दुनिया के, बहुत जबरदस्त इनकी हाई प्रोडक्टिविटी है। खास बात आपको जानने वाली ये होगी फ्रेंड्स कि जिस वाटर में ये ग्रो करते हैं कोरल, ज्यादातर जगहों पे न्यूट्रिएंट पुअर वाटर है, पर इन कोरल्स की न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने की कैपेबिलिटी जो होती है वो कमाल की होती है। और ये जो रेयर कॉम्बिनेशन है ना जूसेंथले का, ये जूसेंथले एक माइक्रोस्कोपिक एल्गी होती है और ये जो पॉलियप्स है कोरल एनिमल्स होते हैं। तो ये पॉलियप्स और जूसेंथले मिलके ये पूरी की पूरी कोरल रीफ बना देते हैं जो कि देखने भी बहुत सुंदर होती है और एक हेल्दी एक्वेटिक इकोसिस्टम का सिग्नल होती है ये। ठीक है फ्रेंड्स, और इन कोरल्स को आप देखा जाइए, जो कोरल रीफ इकोसिस्टम होता है पूरा का पूरा कोरल रीफ इकोसिस्टम, इसमें बहुत सारे प्लांट्स भी पास में रहते हैं, कोई बहुत सारे इनवर्टिबेट और वर्टिबेट एनिमल्स भी मिलते हैं पास में। तो ये सब एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में उस एक्वेटिक इकोसिस्टम में रहते हैं और बहुत जबरदस्त प्रोडक्टिविटी होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है उस जगह की। इसीलिए कोरल रीफ्स को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन भी कहा जाता है। कोरल रीफ्स को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन भी कहा जाता है। तो ये मैंने कोरल्स के बारे में बहुत जरूरी बात बताई आपको, जूसेंथले समझ में आ गया, पॉलिप समझ में आ गया। कई बार आपके सामने सवाल में आता है कि भाई जो कोरल का रंग बिरंगा कलर होता है ये किस कौन से एल्गी की वजह से होता है, उस एल्गी का नाम क्या है? तो उस माइक्रोस्कोपिक एल्गी का नाम है जूसेंथले। पॉलिप्स स्केलेटन को बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोवाइड करते हैं जूसेंथले को, एक कैल्सरस स्केलेटन बना के एक यू नो प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट देते हैं जूसेंथले को, ताकि जूसेंथले फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करके उसको हरा भरा रह सके, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग कर सके। तो ये था आपका कोरल्स, ये कैसे बनते हैं, इनकी एनवायरमेंटल यूटिलिटी क्या है। ठीक है, और ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इंडिकेटिव स्पेशीज भी है कि एक इकोसिस्टम कितना साफ है, कितना अच्छा है, इस बात का भी आप कह सकते हैं कि ये एक सिग्नल है। दूसरी बात, कोरल टूरिज्म के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कभी अगर आप फुकेत गए हो थाईलैंड में, या फिर अगर आप बाली गए हो, इनफैक्ट अगर आप बाहर ना भी गए हो, अगर आप अंडमान एंड निकोबार गए हो, तो अंडमान एंड निकोबार में भी कई आइलैंड्स पे, एविस आइलैंड्स पे, ठीक है ना, हैवलॉक आइलैंड पे कोरल्स दिखाए जाते हैं कि 10 से 15 मीटर गहरे पानी में आपको एक लाइफ जैकेट बना के ले जाएंगे, आपको मुंह में एक ऑक्सीजन के लिए पाइप दे देंगे, आंख पे चश्मा लगा देंगे और आपको वो स्विम करके नीचे दिखाएंगे आपका पानी में थोड़ा सा सर डाल के कि कोरल्स कितने ब्यूटीफुल लगते हैं। तो कोरल टूरिज्म से भी बहुत ज्यादा हद तक रिलेटेड है। तो जो पास में कोस्टल कम्युनिटी रहती है वो कोरल्स के थ्रू टूरिज्म करके काफी पैसा भी कमा लेती है, अपना लाइवलीहुड अर्न कर लेती है। तो ये था फ्रेंड्स आपका कोरल्स के बारे में। अब देखिए, आज की डेट में कोरल्स को बहुत ज्यादा थ्रेट है, ठीक है ना, कोरल ब्लीचिंग हो रही है एक बहुत हाई लेवल पे, एंथ्रो
एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस की वजह से ब्लीचिंग हो रही है, बहुत सारा केमिकल पॉल्यूशन हो रहा है, पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट को छोड़ा जा रहा है पानी में, सेडिमेंट लोडिंग हो रही है, न्यूट्रिएंट लेजिंग हो रही है, फिर जब हार्बर्स बनाए जाते हैं उसकी वजह से ड्रेजिंग करी जाती है, टूरिज्म की वजह से, शिपिंग की वजह से, माइनिंग की वजह से, बहुत ज्यादा फिशिंग की वजह से ये कोरल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, कोरल रीफ इकोसिस्टम को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, खासकर माइनिंग के चलते ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है वहां बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। तो इन सॉरी प्रॉब्लम्स को हम लोग कोरल ब्लीचिंग में डिस्कस करेंगे, जो कि मैं बहुत जल्दी ही बनाने वाला हूं फ्रेंड्स। तो फिलहाल के लिए कोरल्स कैसे बनते हैं, उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोपिक एल्गी और ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। क्या क्या काम है उस एल्गी का, ज़ूसेंथले का, पॉलिप्स का, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये वीडियो हिंदी में, अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन देखना चाहें तो नीचे लिंक दिया हुआ है, साथ साथ दो लिंक नीचे और दिए हुए हैं कि कितने तरीके की कोरल रीफ्स हैं और कोरल ब्लीचिंग क्या होती है। अगर आप इनको देख लेंगे आपको पूरी तरीके से हर चीज समझ में आ जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर योर पेशेंट फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। गुड बाय फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, पढ़ते रहिए।